नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको वेस्ट फेसिंग इलेक्ट्रिकल दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो दुकानदार भाई नई दुकान खोलने जा रहा है, तो जैसे मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, यदि इस तरीके से सेटअप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और जो दुकानदार भाई अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहा है, तो इस तरीके से रेनोवेट कर लें। और इसी के साथ में जिन दुकानदार भाइयों की मेन मार्केट में दुकान होने के बावजूद भी अच्छी नहीं चल पा रही है, अच्छा प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है किसी कारण से, इसके साथ में आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपनी दुकान में मेरे अनुसार सेटअप करते हैं तो आपको, मेरा अपना ये मानना है कि बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी दुकान है, पश्चिम मुखी दुकान में आपके यहाँ पर फ्रंट ज़्यादा है, बड़ा फ्रंट है तो भी, और छोटा फ्रंट है तो भी, आपको दुकान के अंदर आने के लिए जो रास्ता बनाना है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में से ही, यहीं से आपने दुकान के अंदर आने का रास्ता बनाना, ओनर भी, स्टाफ भी और हमारा अपना कस्टमर भी यहीं से अंदर एंटर करेगा। आपको अपने यहाँ पे काउंटर और डिस्प्ले कैसे लगानी है, आपके यहाँ फ्रंट में यदि ग्लास लगाते हैं तो यहाँ फ्रंट में डिस्प्ले आ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ वॉल से होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक कंप्लीट डिस्प्ले हो जाएगी आपकी अपनी, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक डिस्प्ले हो जाएगी, इसी के साथ में साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, इस हिस्से में, फ्रंट के हिस्से में तो डिस्प्ले रहेगी, नॉर्थ वॉल पे भी, ईस्ट वॉल पर भी और साउथ वॉल पर भी। क्या चीज आएगी, स्टोरेज, आपकी अपनी वही डिस्प्ले है, वही आपकी अपनी स्टोरेज है। जिन दुकानदार भाइयों की दुकान की गहराई ज़्यादा बन जाती है, सभी दुकानदार भाई क्या करते हैं, कौन, जिनकी दुकान की गहराई ज़्यादा बन जाती है, वो अपनी दुकान में आगे की ओर मिड में एक पार्टीशन लगा लेते हैं और इस तरीके से अपना काउंटर बना लेते हैं। ओनर यहाँ बैठ जाता है, स्टाफ यहाँ आ जाता है, स्टैंडिंग में या सिटिंग में स्टाफ यहाँ हो जाता है, ये पीछे अपनी स्टोरेज बना लेता है। इसी के साथ में स्टाफ का भी ओनर का भी अंदर आने का जो रास्ता रहेगा काउंटर के बाद, वो यहाँ से रहेगा। इसके साथ में जो रैक दुकानदार भाइयों ने बीच में पार्टीशन लगा रखा है, जो यहाँ लगा रखा है वो गलत लगाया हुआ है। मेरा अपना ये मानना है, या तो यहाँ पर दरवाज़ा लगाएं, किसी कारण से दरवाज़ा नहीं लगाते हैं तो इस काउंटर को आप बीच वाले रैक को इधर की ओर शिफ्ट कर दें और इधर से आप दरवाज़ा बना लें, इधर आपका डोर हो जाएगा। ये जो बीच में रैक लगेगा, इस रैक की जो पोजीशन होगी, चौड़ाई इतनी रहेगी, आपका माल फ्रंट की ओर भी दिखेगा और ये माल आपका अंदर की ओर भी माल रखा जाएगा। इधर डोर बनाने के बाद आपके अपनी दुकान का नॉर्थ का हिस्सा ओपन हो जाएगा, नॉर्थ के एरिया से आपकी अपनी मूवमेंट हो जाएगी और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट में जो वजन जोर से ज़्यादा, जब डोर यहाँ होता है तो अंडरस्टूड वाली बात है कि आपका अपना स्टोरेज मैक्सिमम इधर आ जाती है, और जब डोर नॉर्थ की ओर, तो नॉर्थ की ओर से बना दिया जाता है तो आपकी अपनी स्टोरेज साउथ वॉल पर मैक्सिमम, फ्लोर पर भी बहुत सारा सामान हमारा आ जाता है। इसी के साथ में आपने किस चीज़ का और ध्यान रखना है, आप अपने यहाँ पर साउथ वॉल पर, साउथ वेस्ट एरिया से लेके कंप्लीट साउथ वॉल, इस हिस्से में
मैक्सिमम हैवी सामान, और हर एक रैक में कोई भी रैक खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लॉक खाली नहीं होना चाहिए, पूरा माल भर के रखना है, और हैवी सामान, भारी से भारी सामान आपने इधर लगाना है। इसी के साथ में मैं आपको एक और बात कहूँगा, जो आपके यहाँ माल आता है रेड कलर के डब्बे में माल आता है, तो वो रेड कलर के बॉक्सेस जितने भी आपने लगाने हैं सारे के सारे साउथ वॉल पे लगाने हैं, और साथ में साउथ ईस्ट में भी यहाँ भी आप रेड कलर ला सकते हैं, यहाँ भी आपका अपना रेड कलर आ सकता है। इसी के साथ आपने किसी कारण से अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ में कंप्लीट रेड कलर, रेड कलर के साथ साथ वजन ज़्यादा रखा हुआ है, सामान ज़्यादा भारी रखा हुआ है, कोई भी रैक खाली नहीं है और साउथ के रैक खाली पड़े हैं, तो मेरा अपना ये मानना है, मैं ये मानता हूँ कि आपके यहाँ सेल कम होती है, आपके यहाँ प्रॉफिट कम आता है, आपके यहाँ फुटफॉल बहुत कम है, और जो फुटफॉल है भी कस्टमर आता है माल लेके जाता है वो आपको पूरी पेमेंट नहीं दे के जाता है, आपके यहाँ माल उधार बिकता है। तो आपको क्या क्या काम करना है, नॉर्थ में से वजन हटाना है, नॉर्थ में से रेड कलर के बॉक्सेज हटाने हैं सारे के सारे साउथ वॉल पर, और साउथ वॉल पे वजन मैक्सिमम लेके आना है। ये जो काउंटर आपका अपना बना हुआ है, फ्रंट में ऊपर डिस्प्ले भी आ जाती है और अंदर स्टोरेज भी आ जाती है। फ्रंट में यहाँ वेस्ट वॉल पर आपकी अपनी डिस्प्ले आएगी, ऑनर की सीटिंग जो आनी चाहिए वो साउथ वेस्ट में ही आनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहूँगा, ऑनर ने अपना कैश बॉक्स डोर कहाँ रखनी है। कैश बॉक्स नॉर्मली होता क्या कि दुकान के अंदर अपने फ्रंट में सामने ही और राइट हैंड की तरफ डोर बनाई जाती है, जो कि कंफर्टेबल रहता है कस्टमर से पैसे लेते हुए, कस्टमर को पेमेंट करते हुए। इसके साथ में आपने अपने यहाँ पर एक ड्रॉअर और बनानी है, जिस ड्रॉअर के अंदर आपकी अपनी चेकबुक, आपका अपना कैश, चाहे बैंक से आता है चाहे पार्टियों से पेमेंट आती है, वो आपने कहाँ बनानी है, वो कैश बॉक्स आपने अपने यहाँ पर साउथ वॉल में जो रैक लगे हैं उस रैक में ही एक ब्लॉक में ड्रॉअर ज़रूर बनानी है, जो कि वो ड्रॉअर आपकी अपनी नॉर्थ की ओर ओपन हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहूँगा, आपके यहाँ वेस्ट में भी काउंटर बनाए, वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो एक ड्रॉअर आप यहाँ बना सकते हैं जो कि ईस्ट की ओर ओपन हो जाएगी। ये वाले ड्रॉअर भी आपकी ओके है, बहुत बढ़िया है, और ये वाले भी बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से इस जो ईस्ट की ओर ओपन हो रही है, जो नॉर्थ की ओर ओपन हो रही है, आप इसके अंदर पैसा रखेंगे तो आपके यहाँ पैसा आएगा, आने का साधन बनेगा और बरकत होगी उस पैसे में। इसी के साथ साथ एक और बात कहूँगा मैं आपको, जो आपके अपने यहाँ पर फ्रंट में जो शटर लगा हुआ है, शटर पर जो कलर आना चाहिए वो ओनली वाइट कलर आना चाहिए, सिर्फ वाइट कलर। यदि आप वाइट कलर करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपके यहाँ फुटफॉल किसी कारण से नहीं है, तो फुटफॉल आपके यहाँ बहुत अच्छा बन जाएगा। इसी के साथ साथ आपका अपना जो काउंटर का जो कलर होना चाहिए वो कलर भी आपके यहाँ वाइट कलर होना चाहिए। जो आपके यहाँ स्टाफ के बैठने की चेयर्स हैं वो हमारी अपनी आपकी अपनी ब्राउन कलर की हो जाएगी, जो ओनर और स्टाफ बैठता है वो भी हमारी अपनी ब्राउन कलर की हो जाए। ओनर की चेयर रेड कलर की भी आती है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। इसी के साथ आपके यहाँ फ्रंट के हिस्से में कहीं भी सड़क है तो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फुटपाथ है तो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, गली है तो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, नाली को आपने ढक के रखना है, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। आपने अपने दुकान के फ्रंट में अपनी सड़क को, अपने रास्ते को रिपेयर जरूर कराना है। इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहूँगा, आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, इस हिस्से में आपके यहाँ पीने का पानी आना चाहिए। इसी के साथ साथ मंदिर आपका कहाँ आना चाहिए, मंदिर आपका अपना ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में, यहाँ कहीं भी आप अपना मंदिर लगा सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सेटअप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आप सभी दर्शकों का, आप सभी भाइयों का हमारे प्रोग्राम्स देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।